उज्जैन में किसानों के लिए बैंकों के दरवाजे फिर से खोल दिए गए हैं। जी हां, दरअसल खाचरोद में कृषि मंत्री यादव ने 3,195 किसानों के लिए 21 करोड़ की ऋण माफी योजना के प्रमाण पत्र वितरित किए। उज्जैन ऋणी किसानों के लिए फिर से बैंकों के दरवाजे खोल दिए गए हैं। कृषि मंत्री यादव ने खाचरोद में 3,195 किसानों को 21 करोड़ के ऋण माफी योजना के प्रमाण पत्र वितरित किए। इसके पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव, विधायक दिलीप सिंह गुर्जर, जिला पंचायत अध्यक्ष करण कुमारिया, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के प्रशासक अजीत सिंह ने दीप प्रज्वलन कर जय किसान ऋण माफी योजना के कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्रदेश के किसान कल्याण तथा कृषि विकास, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री सचिन यादव ने कहा है कि वर्षों तक कर्ज में डूबे किसानों को बैंक व सोसाइटी से ऋण नहीं मिल रहा था और उनके लिए बैंकों के दरवाजे बंद हो चुके थे। मुख्यमंत्री कमलनाथ की सरकार ने ऐसे किसानों के ऋण माफ करके उनके लिए फिर से बैंकों के दरवाजे खोल दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को काम करते करते 365 दिन ही हुए हैं और इतनी अल्प अवधि में सरकार ने 365 वचनों को पूरा किया है और इतिहास रचा है। देश में किसानों की चिंता यदि किसी ने की है तो वो मध्य प्रदेश सरकार है। और अब द्वितीय चरण में 50,000 से 1,00,000 तक की ऋण माफी की जा रही है। इसी के तहत खाचरोद तहसील में 3,195 कृषकों को आज 21 करोड़ की ऋण माफी योजना के प्रमाण पत्र सौंपे गए। एक ऐसा मध्य प्रदेश हमको मिला जो महिलाओं पर अत्याचार के मामले में देश में नंबर पर, एक ऐसा मध्य प्रदेश हमको मिला जो बेरोजगारी के मामले में देश में नंबर पर, खाली खजाना, विफल चंद, ऐसी परिस्थितियों में ये मध्य प्रदेश आदरणीय साथियों हमको विरासत मिला है। लेकिन आप सबके आशीर्वाद से और हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी के अनुभवी और कुशल नेतृत्व में हमारी सरकार ने इन सारी चुनौतियों को पार किया और मध्य प्रदेश की आवाम, मध्य प्रदेश की जनता की उम्मीदों, भावना और आकांक्षाओं के अनुरूप हमारी सरकार ने काम करना शुरू किया।